हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सावन का महीना है और महादेव से ना मिले ऐसा हो सकता है क्या? तो हम निकल पड़े हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो कि नासिक में है। आप भीड़ देख सकते हैं, सुबह के टाइम हम निकल गए थे, काफी धूप भी हो चुका था, इट वाज अराउंड 7 o'clock। एंड यहाँ पे जो प्रसाद, मतलब एंटर होते ही हर जगह हर स्पॉट पे आप देखिए मावा का, जो कि गुड़ में बना हुआ है, शक्कर में बना हुआ है। स्पेशल है यहाँ का प्रसिद्ध जो है वो है पेड़ा, तो हमने भी पेड़ा लिया था। एंड यहाँ पे हम एक्चुअली में गलत रास्ते से चले गए थे, आगे के बजाय हम पीछे वाले रास्ते में चले गए थे। एंड वी हैड नो आइडिया हम जाते गए, बट दैट वाज नॉट द केस, क्योंकि हम पीछे रास्ते में गुम हो चुके थे। एंड लेटर ऑन वी रियलाइज चलो पीछे आए तो आए, बट गायत्री माता का मंदिर भी देख लिया, दर्शन भी कर लिया। एंड क्या खूबसूरत टाइमिंग पे हम वहाँ पहुँचे, बिकॉज उस टाइम पे गायत्री माता का आरती चल रहा था। आरती और दर्शन के बाद हम वहाँ से मेन एंट्रेंस के तरफ हम चल दिए एंड हम आखिर में पहुँच गए पूछते हुए। एंड वहाँ से प्रसाद लिया चढ़ाने का, फूल लिया, माला लिया। एंड हाँ, स्पेशल महाकाल का ये तिलक नहीं लगाया तो क्या लगाया है ना, बट आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा हो गई थी, बेसिकली देयर वाज टू लाइन। वहाँ से एंट्री किया एंड घुसते के साथ ही जो घंटे की आवाज़ थी, क्या वाइब्रेशन थी, क्या पॉजिटिविटी थी वहाँ पे। जो ये मंदिर है वो काले पत्थरों में बना हुआ है एंड इसका इम्पोर्टेंस ये है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। ये इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ शिव जी विराजमान है, बट यहाँ पे आपको तीनों के दर्शन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं सो लाइन धीरे धीरे मूव करते करते, मतलब टाइम लग गया था, बट इट वाज ऑल वर्थ इट। जैसे गोदावरी नदी के पास त्र्यंबकेश्वर गांव में स्थित है, जहाँ पे कुछ दूरी तक आपको पैदल चल के जाना पड़ता है, मतलब आप कोई भी गाड़ी से ट्रैवल अंदर तक नहीं कर पाएंगे। भोलेनाथ का नाम लेते लेते आखिरकार हम वहाँ पे पहुँच गए। अंदर जाने का बहुत एक्साइटेड भी थे और ये रहा घंटी, घंटी मुझे बजानी थी बट ये काफ़ी ऊपर था, मैं पहुंच नहीं पाती, इसलिए मेरे हस्बैंड ने बजाया। और अंदर जाके ये नज़ारा, मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इस तरीके का था ये था शयन कक्ष। एंड आस्किंग बिल्कुल ये अलाउड नहीं था, तो मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पाई, बट ये ज़रूर कहूँगी जो वहाँ का वाइब्रेशन है उससे आपके रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाएंगे। एंड ये बाहर आके भी शिवलिंग है जहाँ पे सभी लोग पूजा कर रहे थे। ये अच्छा रहा हमारा दर्शन, यहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। ये भोलेनाथ सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।